दिल्ली की सबसे खूबसूरत मार्केट, जहां आपको कपड़े, गहने, सैंडल से लेकर हर तरह का सामान बहुत ही सस्ता और अच्छा मिल जाता है, सरोजिनी मार्केट। देखिए हमारे साथ पूरी मार्केट का नज़ारा। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। सरोजिनी नगर मार्केट में मेरी बेटी का ये पहला विजिट है और वो बहुत ही एक्साइटेड थी। यहाँ की खूबसूरती को देख के, यहाँ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, वो बहुत एक्साइटेड थे मार्केट घूमने के लिए। आप देख सकते हैं उसकी स्माइल से ही पता चल रहा है, आगे भी आप देखेंगे। और यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कॉटन की कुर्ती, जो कि बहुत ही सुंदर थी, प्रिंटेड, और यहाँ की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा, रीज़नेबल रेट के साथ आपको क्वालिटी हाई मिलेगी। क्वालिटी में यहाँ पे कोई कमी आपको देखने को नहीं आएगी। पूरी मार्केट में आप अगर घूमेंगे तो चाहे वो 30 रुपये की चीज़ हो, चाहे 50 रुपये का चीज़ हो, क्वालिटी इज़ द बेस्ट। यहाँ पर सिल्वर मेटल में बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स अवेलेबल थे, और जिनकी बहुत सारी वैरायटीज़ थी, डिफरेंट डिज़ाइंस थे, और जो बहुत ही शाइन कर रहे थे। और ये से सिर्फ ₹70 में यहाँ पे कॉलेज गोइंग गर्ल और स्कूल गर्ल के लिए भी लाइट वेट में इयररिंग्स देखने को मिल रहे थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। ये मेटल में भी थे एंड अलग अलग मटेरियल से इनको बनाया गया था, हर एक इयररिंग्स को, और ये थे ₹60 में ओनली। ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमें मिलते हैं ये खूबसूरत से पर्सेस, जो बहुत मजबूत और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए थे, जो 100 रुपीज़ में अवेलेबल थे सर। और फिर ये आती है ज्वेलरी की दुकान, और जिसमें हम खो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये मल्टी कलर, मल्टी डिज़ाइनर और बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल थे, जहाँ से हट जाना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी टाइम हमने यहाँ बिताया और ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा नेकलेस ले और कौन सा नहीं, मतलब कंफ्यूजन हो रहा था। कितने सुंदर थे ये, कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लें। काफ़ी डिसीजन करने के बाद मैंने इसमें से कोई 5 आइटम्स खरीद ही लिए थे, और ये सिर्फ और सिर्फ ₹100 में वाले। इतने सारे खूबसूरत गहनों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कम से कम 200 या 250 के तो होंगे ही, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये थे सिर्फ और सिर्फ ₹100 में अवेलेबल। इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्राइडल ज्वेलरी भी दिखाई दे रही थी, जो बहुत वैरायटीज़ के साथ थी, कलरफुल थे, और इनकी भी प्राइस बहुत कम थी, ₹500 में ये अवेलेबल थे यहाँ, आप देख सकते हैं। और अंगूठी, जो बड़े बड़े ब्राइडल रिंग्स लग रहे थे, पार्टी रिंग्स, और किसी भी ओकेजन में आप पहन सकते हैं, फेस्टिवल्स में, ₹100 में अवेलेबल थे यहाँ पर। और ये मिल गए हमको नेल पॉलिश, बट इनके रेट मैंने नहीं पूछे। ये डिफरेंट कलर्स के और ब्रांड के थे,
जो कम फेरते थे, और लिपस्टिक जो सिर्फ 100 रुपीज़ में ब्रांडेड लिपस्टिक यहाँ अवेलेबल थी। आगे बड़ी मिली हमको झुमकियाँ, बड़ी बड़ी शादी वाली पार्टी वाली, और ये बहुत हल्की होती हैं, वेयरेबल होती हैं। ये मेरे 5 आइटम मैंने ले लिए थे। इतने सारे गहने ज्वेलरी तो जैसे यहाँ ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। सुंदर सुंदर गहने झुमके एक के बाद एक यहाँ नज़र आ रहे थे, और ये खूब सुंदर डिज़ाइनर और बहुत ही क्वालिटी में अच्छे लग रहे थे, और सिर्फ ₹100 में दिख रहे थे। इस पूरी मार्केट में अगर कोई इंजॉय कर रहा था तो वो थी मेरी बेटी, जो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि वो आई थी पहली बार यहाँ पर। और ये हमको दिखी स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए झुमकियाँ, लाइट वेट में, ब्राइट कलर्स में, जिनका मेटल काफ़ी अच्छा था, हाई क्वालिटी था, और ये सिर्फ और सिर्फ ₹60 में अवेलेबल थे यहाँ पर। आगे बढ़ते गए और ये प्यारी सी घड़ियाँ हमको दिखी, जो सिर्फ 100 रुपये में थी। और ये आ गए खूबसूरत हॉर्जरी के टी शर्ट्स, लंबे लंबे कलरफुल, जिनका कलर जाने का कोई नाम नहीं, वेरी हाई क्वालिटी इन लो प्राइस। एंड ये आपके शिफॉन जॉर्जेट की कुर्तियाँ, ये बच्चियों के फ्रॉक्स एंड लॉन्ग शर्ट्स अवेलेबल हैं सिर्फ ₹200 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया ने कैरी किए हुए हैं लाइट वेट की नेकलेसेस, जो सिर्फ ₹25 के थे, जो कॉलेज गोइंग गर्ल और स्कूल गर्ल के लिए इवन हम भी पहन सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत हैं। और उसके बाद हमने ये देखा बहुत सारे डिज़ाइनर वेयर यहाँ पे लगे हुए थे, जो बहुत कम रेंज में थे और अच्छे दिख रहे थे। ये सिंपल सी दिखने वाली चेन भी हमें बहुत पसंद आई, जिसमें लॉकेट्स बड़े सुंदर सुंदर थे, और हमने भी इनमें से कुछ लिए। ये बहुत प्यारे लग रहे थे, इनके जो पेंडेंट या लॉकेट कहेंगे बहुत अच्छे थे, बहुत डिफरेंट वैरायटी के थे, तो लिए हमने। ये स्टोल जो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने ले लिया था, सिर्फ ₹50 का था। आगे बढ़े और आगे हमें दिखाई दिए बच्चियों के सुंदर सुंदर कपड़े, ये भी ₹100 में सिर्फ अवेलेबल थे, एक से बढ़कर एक सुंदर और अच्छे डिज़ाइनर वेयर थे। इन भैया ने यहाँ पे कैरी की हैं अंगूठियाँ, जो सिर्फ ₹50 के थे और जो बहुत खूबसूरत थी। और फिर हम आगे बढ़कर हमने मार्केट को और इन्जॉय किया, और यहाँ दिखे ₹100 में और भी ट्राउज़र्स, जीन्स बच्चों के लिए,
जो क्वालिटी में काफ़ी अच्छे थे। सरोजनी मार्केट द बेस्ट मार्केट टू बाय एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट विथ अफोर्डेबल कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी इन दिल्ली। यहाँ पे हमने देखे सैंडल्स जूतियाँ जो बहुत ही खूबसूरत थी, पायल जैसे मटेरियल से इसको डेकोरेट किया गया था, कई तरह के वैराइटीज़ थी इनके पास और हमने इनको ट्राई भी करके देखे। ये बहुत खूबसूरत थे और सिर्फ 100 रुपीज़ के ये अवेलेबल थे। ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे पाँव में। आगे बढ़े हमें 100 रुपये की सेल में ये देखी शॉर्ट्स कॉटन की, स्ट्राइप्स फ्लोरल, हर तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल थे शॉर्ट्स में। इसमें खादी, हॉजरी, कॉटन सब मिक्स थे, जिसमें किड्स प्रिंट भी थे, एनिमल प्रिंट भी थे, फ्लोरल प्रिंट और स्ट्राइप्स, ज्योमेट्रिकल प्रिंट सब अवेलेबल नज़र आ रहे थे शॉर्ट्स में। और ये कलरफुल थे, ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसमें से हमने भी ले लिए थे कुछ, ये स्ट्राइप वाला हमको बहुत पसंद आया था तो हमने इसको ले लिया था। आगे हमने देखा खूबसूरत पर्सेस, अंगूठियाँ जो बहुत सुंदर थी, नग वाली और डिफरेंट डिज़ाइंस की थी, जो ₹50 में थी ओनली। और ये ईयररिंग्स जो जिनका कलर बहुत ब्राइट था, वुडन ईयररिंग्स जिनकी कलाकारी बेहद खूबसूरत थी, ऐसे लग रहा था जैसे हैंडमेड ईयररिंग्स हैं ये। और ये बहुत सुंदर थी, ब्राइट कलर्स हैं इनके, ये किसी भी एज ग्रुप की लड़कियां या औरतें पहन सकती थी। ये बहुत खूबसूरत हैं और ₹60 में सिर्फ अवेलेबल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हमने हेयर क्लिप्स देखी जिनकी वैरायटी काफ़ी थी और ख़ूबसूरत थे ये, और काफ़ी मजबूत लग रहे थे, इनके कलर भी अच्छे थे। झुमकियाँ हमको ब्राइट कलर्स की फिर से नज़र आई, फिर टॉप्स नज़र आए नेट में जो जाली टाइप में थी, ये काफ़ी डिज़ाइनर लग रही थी, काफ़ी सुंदर और ब्राइट कलर्स थे इनके, और जो सिर्फ ₹100 में अवेलेबल यहाँ मिल जाएंगे आपको। यहाँ मुझे लोअर ये ट्राउज़र बहुत पसंद आए, जिसमें से मैंने कुछ ले लिए थे। और उसके बाद फिर हमने लोअर देखे जो ये बच्चों के हिसाब से थे, मेरी बच्ची बहुत एंजॉय कर रही थी इनको, उसको पसंद आ रहे थे। फ्लोरल प्रिंट और किड्स प्रिंट थे इसमें, तो उसको काफ़ी पसंद आ रहे थे ये लोअर जो सिर्फ 200 में अवेलेबल थे। तो बस इतने ही था आज का हमारा ये सफ़र, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हमारे साथ आपने भी पूरी मार्केट का इंजॉय किया होगा, आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। हमने कोशिश ये करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताने की। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिएगा।